नमस्कार दोस्तों, निफ्टी व्यू 14 अगस्त के लिए। मैंने कहा था कि 11,378 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और वाकई में इसको पार करना इतना इजी नहीं है। अगर ये पार हो भी जाता है तो उसका जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट जो मैंने कल बताया था वो 11,466 है, वो अब भी है बरकरार। यहाँ से ऊपर तक देखेंगे तो कहीं पर भी एक बार भी थोड़ा वीकनेस नज़र नहीं आता। तो ये रेसिस्टेंस क्यों है? वो रेसिस्टेंस इसलिए है कि ऑल टाइम हाई जो देखा है हमने 12,430 का है और रीसेंट लो जो हमने मार्च में देखा है वो 7,511 का है। इसका हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आता है 11,378। तो मुझे लगता है कि इसको पार करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। अब ये देखिए, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 दिन से मार्केट अपमूव में है, हो सकता है यहां से पार हो जाए, लेकिन उसके लिए गैप अप खुलना पड़ेगा और फिर तेज से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर एक 11,466 पॉसिबल है। लेकिन हम नहीं मानेंगे कि ये, जब तक ये 11,240 बरकरार है तब तक हमको मान के चलना चाहिए कि अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, ऊपर की तरफ है लेकिन इंटैक्ट है। इंटरनल देख लेते हैं निफ्टी का हाल क्या है। बल निफ्टी का इंटरनल का हाल देखें तो यहां पर ये लग तो रहा है कि कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट की जरूरत है। कहीं पर भी यहाँ खुल जाता है और यहाँ तोड़ के ऊपर चला जाता है या फिर गैप अप खुल के ऊपर जाता है तो 11,466 एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर खुलता है कहीं पर और ये ब्रेक होता है और ये हमने देखिए 11,250 ब्रेक हो जाता है तो फिर शायद कह सकते हैं कि एक वीकनेस आ सकती है। 11,150, 11,160 यहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि श्योर नहीं है, लेकिन अगर लोअर लेवल्स में खुलता है तो यहाँ पर तो बहुत रेसिस्टेंस है। अगर लोअर लेवल्स में खुलता है तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जिन्होंने भी खरीदा है उनके लिए एक रॉन्ग ट्रेड रहेगा, तो वो बेचेंगे तो शायद लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक का जो देखा जाए तो ये जो मूव है मुझे इतना कम्फर्ट जोन अच्छा नहीं लगता। ये जो अपमूव देखा था हमने स्ट्रांग थे, लेकिन ये अपमूव जो है थोड़ा वीक नजर आता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा डाइवर्जन है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। निफ्टी में एक तेजी थी और बैंक निफ्टी में इतनी खास तेजी नहीं है। इंटरनल देख लेते हैं बैंक निफ्टी का हाल क्या है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ये आज पहला संकेत दे रहा था कि मैं वीक हूँ और उसके बाद एक गिरावट देखी हमने। अब लगता है ये जो जोन है ये एक रेसिस्टेंस जोन है। अगर यहीं पर काम खुलता है और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं तो पॉसिबल है कि शायद एक सपोर्ट 22,000 के आसपास मिले, और 22,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट कह सकते हैं, लेकिन रियल सपोर्ट मेरे ख्याल से शायद 21,720 के हैं। तो शायद ये ब्रेक होकर लोअर लेवल भी देख सकते हैं। तो मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक नज़र आता है निफ्टी के हवाले, लेकिन देखना है कि मार्केट कहाँ खुलता है, निफ्टी कहाँ खुलता है, बैंक निफ्टी कहाँ खुलता है। हमको तो सिर्फ अपने पॉइंट्स ट्रेड करने हैं। अगर हमारा सेटअप के हिसाब से खरीदना का मौका मिलता है तो हम खरीदेंगे और बेचने का मौका मिला तो बेचेंगे। इतना है कि भाव भगवान है। ये जो एनालिसिस है ये मैं कहता हूँ ना, मैं नॉर्मली कहता हूँ ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। जो दिखता है उसी को ट्रेड कीजिए, न जो आपके दिमाग में है। हमारे दिमाग में तो बहुत कुछ होगा लेकिन जो फैक्ट है जो दिखता है, और भाव भगवान है। यस, 15 अगस्त है तो एक बार थोड़ा वक्त हमारे जवानों के लिए याद में गुजारें तो अच्छा रहेगा। जय हिंद।